अब देखिए खिलाड़ी नंबर वन, चलिए फटाफट आपको हमारे जानकारों से मिलवाते हैं एक बार फिर और उनसे पूछते हैं नए ट्रेड्स क्या लेंगे। गौरव बिस्सा का पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा रही हूँ, इंडियन मेटल में प्रॉफिट बुक कर लिया, नियोजन केमिकल को होल्ड कर रहे हैं। गौरव, नया ट्रेड क्या है? कि पहला ट्रेंड जो होगा वो है एपीएल अपोलो में, जहां पे आप देखेंगे कि राइजिंग ट्रेंड में चल रहा है, राइजिंग चैनल पैटर्न फॉर्मेशन है, काफी स्ट्रॉन्ग नीचे मुख ब्रेकआउट है इसके अंदर, और आप बोलिंजर बैंड स्क्वीज देखेंगे तो वो भी काफी अच्छा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत बेहतरीन हो रहा है यहाँ पे और काफी तगड़े इसमें ब्रेकआउट होता है। यहाँ से 20% के ऊपर आपको एक बार देखने मिल सकता है अगर कोई होल्ड करना चाहे तो यहाँ पे मैं बाय करने की सलाह दूंगा। मैं काफी स्ट्रॉन्ग इसमें अपसाइड है, तो 970 के स्टॉप से आप बाय कर सकते हैं। ऊपर मुझे लगता है कि ये आपको इमीडिएट टारगेट्स के हिसाब से 100-125 रुपए पर देखने मिल सकते हैं। दूसरा भी अभी दे रहे हैं कि दोपहर में देंगे? यहाँ पे जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले दिया है वो है आपका रैली कैप। यहाँ पे आप देखेंगे अगेन स्मॉल कैप नाम है, जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहे हैं वीकली चार्ट पे। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बेसिकली है, अगेन कंपेयर करना पिछले कुछ सालों से, तो आपको यहीं पे दिख रहा है काफी अच्छा वॉल्यूम प्रोफाइल है, काफी अच्छा ब्रेकआउट है। यहाँ से जो नेक्स्ट हर्डल है 30-40% ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 75 का स्टॉप होगा और ऊपर में 95 के टारगेट्स के लिए उसको प्ले कर सकते हैं। ओके, तो रैली के 95 का टारगेट, टॉप लॉस 75 का, और अपोलो एपीएल अपोलो में भी तेजी का ही ट्रेड, 11-10 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी। अजीत बताइए नया ट्रेड क्या दे रहे हैं आप? तो अजबा, हमारा नया ट्रेड जेके टायर्स है। इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन के बाद पिछले 1.5-2 महीने से एक रेंज में कंसोलिडेशन मूव में था, बट पूरे उस मूव में इसने अपने 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि दिखा रहा है मोमेंटम को, उसको रिस्पेक्ट करते हुए इसने होल्ड किया है। ऑलमोस्ट अभी उसके पास है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। मुझे लगता है वहां से करंट लेवल से 1-2 दिन के अंदर अंदर इसमें कभी स्ट्रॉन्ग मूव आना चाहिए, करीब 10% से ज्यादा का शायद मूव देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 120 के स्टॉप लॉस के साथ 140 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए जेके टायर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो जेके टायर्स इमीडिएट तौर पर खरीदें, 140 का टारगेट और स्टॉप लॉस 120 का। चलिए अब कुणाल रामबिया का पोर्टफोलियो मैं आपको बता दूं, पीएनबी और एनएमडीसी के स्टॉक को ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं और नया ट्रेड ये जोड़ रहे हैं शक्ति पंप का। टारगेट इन्होंने दिया है 600 रुपए का और स्टॉप लॉस लगाना है करीब करीब 525। एक बार स्टॉक दिखा दीजिएगा शक्ति पंप का, आज किस तरह का परफॉर्मेंस इसने दर्ज किया है, और फिर ओवरऑल सभी के पोर्टफोलियो फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और ओवरऑल रिटर्न्स भी आपको दिखा देंगे। तो कुणाल रामबिया का पोर्टफोलियो आपको मैं एक बार फिर बता दूं, इन्होंने शक्ति पंप नया जोड़ा, 600 का टारगेट, 525 का स्टॉप लॉस, पीएनबी इनके पास अभी भी है, और एनएमडीसी का 145 का टारगेट, पीएनबी का 50 रुपीज का टारगेट। अजीत का पोर्टफोलियो अब लेकर आते हैं जहां पर इन्होंने फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस को अभी भी होल्ड किया हुआ है, सुदर्शन केमिकल को होल्ड कर रहे हैं और साथ ही साथ जेके टायर नया जोड़ा, यहां पर टारगेट 140 का, स्टॉप लॉस 120 का। यह है अजीत का पोर्टफोलियो। अब आएंगे गौरव बिस्सा के पोर्टफोलियो पर। नियोजन केमिकल्स को होल्ड किया है इन्होंने, कल से कैरी किया है दरअसल, और टारगेट 1000 का, 815 स्टॉप लॉस, नया एपीएल अपोलो जोड़ा, 1110 का टारगेट, स्टॉप लॉस 970 का, रैली गैर भी जोड़ा है 95 का टारगेट, स्टॉप लॉस 75 का। चलिए तीनों के रिटर्न्स क्या बन रहा है वो भी आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है फटाफट से, और गौरव बिस्सा लीडरशिप पोजीशन में थे वो वहीं पर बने हुए हैं, 27% तक के रिटर्न्स, अजीत मिश्रा के 5% के रिटर्न्स और कुणाल गांबिया के -7% के रिटर्न्स अब -4% के आसपास है, तो रिकवरी जरूर हुई है इनके पोर्टफोलियो में। चलिए लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेंगी नजरें, आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।